नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के पनकी में स्थित नगर निगम में घरेलू कूड़े के साथ साथ शहर की मसाला फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक पदार्थ को भी नगर निगम के कर्मचारी पैसों के लालच में नगर निगम के कूड़े प्लांट में जलवा रहे हैं। नगर निगम कूड़े प्लांट के कर्मचारियों और SNK के मालिक की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है। SNK के मसाले की फैक्ट्री से निकलने वाला खतरनाक पदार्थ, जिनको नगर निगम कर्मचारियों के मिलीभगत से कूड़े के ढेर में छिपा दिया जाता है और मसाले की फैक्ट्री वाले से मोटी रकम लेते हैं। केवल SNK ही नहीं और भी पनकी दादा नगर क्षेत्र में चलने वाली मसाला फैक्ट्री का भी यही हाल है। खतरनाक पदार्थों के लिए बने कानपुर देहात में दो प्लांट बने हुए हैं, जो इन कंपनियों से खतरनाक पदार्थ निकलता है उस पदार्थ को नष्ट करने के लिए इन प्लांट का उपयोग होता है, जो कि 15 से 20 रुपए किलो के रेट से लेते हैं। मसाला फैक्ट्री वाले भाड़ा बचाने और नष्ट करने का पैसा बचाने के लिए नगर निगम प्लांट के कर्मचारियों की मिलीभगत से सारे पदार्थों को नगर निगम कूड़े के प्लांट में भिजवा देते हैं, जिसको कूड़े में दबा कर आग लगा देते हैं। जबकि आपको बता दें, इसमें केवल घरेलू कूड़े को ही नगर निगम की गाड़ियां पनकी में बने प्लांट में ले जाती है। नगर निगम कूड़े प्लांट में घरों से निकलने वाले कूड़े को जैविक खाद बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन प्लांट नहीं चल पाया था, जिसको अब नगर निगम ने इसे टेक ओवर कर लिया है। नगर निगम के कर्मचारी की मनमानी के चलते फैक्ट्रियों से मोटा माल लेकर उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को भी यहाँ लाकर डाल देते हैं। सूत्रों की माने तो महीनों में लाखों रुपए का काला कारोबार कर्मचारी और नगर निगम की मिलीभगत से चल रहा है। नगर निगम के कूड़े से निकलने वाला धुआं बना है बीमारियों का कारण। नगर निगम के आसपास बसे गांव वाले बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई अधिकारी इनकी सुध लेने वाला नहीं है। केमिकल युक्त अवशिष्ट पदार्थों को जलाने पर धुआं निकलता है, उससे टीबी, सांस, फेफड़ों का गल्ला जैसी बीमारियां फैल रही है। ग्रामीणों की जमीनें भी बंजर हो रही है, किसान खेती तक नहीं कर पा रहा है, लेकिन अधिकारियों का पेट तनख्वाह से भी नहीं भरता। लोगों के जीवन से कर रहे हैं खिलवाड़। नगर निगम के कर्मचारी गौवंश को भी फेंक देते हैं कूड़े के ढेर में। एक तरफ योगी सरकार गौवंशों के लिए गौशाला खोल रही है, तो वही मृतक गौवंशों को खोद के गाड़ने के आदेश है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी गौवंशों को कूड़े के ढेर में फेंक रहे हैं, जिनको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। पैसे कमाने की होड़ में नगर निगम के कर्मचारियों की मानवता भी मर चुकी है। क्या कहते हैं जिम्मेदार, जब इस मामले में महापौर से बात करनी चाहिए तो वो भी किनारा काटती रही। उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ, फिर कुछ करूंगी। कुल मिला के कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब देना नहीं चाहता है।